अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ काली मिर्च चिकन बनाने की रेसिपी, और इसका नाम सुन के आपको पता ही लग गया होगा इसका मेन इंग्रेडिएंट। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और हम इसे ग्रेवी के साथ बनाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए सादिया कुकिंग कॉर्नर को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑप्शन ऑल पे क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो हमें सबसे पहले ले लेना है चिकन। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन ले ली हूँ, उसे अच्छी तरीके से धो लीजिए। और इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ हमें नमक ऐड कर देना है, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर 1 टी स्पून ऐड की हूँ। अब इसे अच्छी तरीके से मिला लीजिए। मिलाने के बाद हमें इसे रख देना है थोड़ा देर, चाहे तो 15 मिनट भी रख सकते हो। और यहाँ पर हमें कुछ चीज़ कूट करके इस्तेमाल करना है, जैसे ज़ीरा 1 टेबल स्पून, कूटी हुई लाल मिर्च और अपनी मेन इंग्रेडिएंट काली मिर्च। काली मिर्च को भी कूट लीजिए, पाउडर ना इस्तेमाल करिए। ये तीनों चीज़ को हमें कूट करके इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ हम प्याज ले लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 प्याज को ऑमलेट चॉप काट ली हूँ। और दही ले लेना है, दही का क्वांटिटी मैंने और भी ऐड करी हूँ। और इसी के साथ दूध के ऊपर जमी हुई मलाई, या आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम पकाने की तरफ चलते हैं। तो कंटेनर को हीट कर लीजिए, उसमें ऑयल ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करी हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद हमें जो चिकन मैरिनेट करके रखे थे, 15 मिनट बाद मैंने इसे निकाली हूँ। और आप इसे अच्छी तरीके से भून लीजिए, यानी जितना भी इसमें पानी हो वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। पानी ड्राई करने के बाद हमें इसे निकाल लेना है, या आप चाहें तो इसे दूसरे कंटेनर में भी ड्राई आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दूसरा कंटेनर लेके उसमें ऑयल ऐड कर देना है। प्याज ऐड कर दीजिए। प्याज को हमें हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने देना है, ज़्यादा ना करिए। और इसके बाद हमें चिकन ऐड कर देना है, जो हमने पहले ही भून करके रख लिए हैं। इससे क्या है, टाइम बचेगा अगर आप पहले ही भून लेंगे तो। अब यहाँ पर हमने जितने भी कुटे हुए मसाले लिए थे वो सारी चीज़ को ऐड कर देंगे। और दही ऐड कर देना है। और अब हमें ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढक देंगे। इसमें एक्स्ट्रा पानी ज़रा भी ना ऐड करिए, हम इसे दही से ही भूनेंगे। और इसे अच्छी तरीके से पकने दीजिए। यहाँ पर मैंने इसकी लिड ओपन कर चुकी हूँ, और जितना भी एक्स्ट्रा पानी था दही का वो सारा निकल चुका है। हाई फ्लेम पे मैंने इसे निकाल दी हूँ, मतलब सुखा ली हूँ। अब यहाँ पर मैंने दही ऐड कर दिया था, एक्चुअली वीडियो नहीं बन पाई उसकी, एक्स्ट्रा दही भी ऐड करी हूँ मैंने उतना ही। और मिर्ची ऐड कर देंगे हम, और इसी के साथ धनिया पत्ता थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, काफ़ी कम पत्ता ऐड करना है। और मिक्स कर लीजिए। आखिर में हमें ऐड कर देना है दूध के ऊपर जमी जो मलाई हमने लिए थे, वो ऐड करने के बाद हमें इसे मिक्स कर लेना है। और एक बार एक बॉइलिंग आ जाए उसके बाद गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दीजिए। और ये हमारा जो काली मिर्च चिकन है वो बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमें फ्रेश क्रीम आखिर में इस वजह से यूज़ करना पड़ता है ताकि चिपके नहीं, क्योंकि जैसे ही हम उसे ऐड करेंगे तो स्टिकी होने लगेगा, तो इस वजह से आखिर में ऐड करिए। होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।